शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आवाहन करता हूं मैं तुम्हारा, आओ। नाथ यही है वो स्त्री जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अपने क्रोध की मुक्ति के लिए तुमने जिसके गर्भ से जन्म लिया उसी ने तुम्हें जल में विसर्जित कर दिया, यही है वो स्त्री। इसीलिए वध कर दो इस कुमाता का, समाप्त कर दो इसे ओगरनाथ, समाप्त कर दो। पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं। पूर्व जन्म बहुत बड़ा पाप हुआ है मेरे हाथों, जब से मुझे इसका ज्ञात हुआ है आत्मग्लानी में ही जी रही हूं। झूठ झूठ बोल रही है ओगरनाथ, अपनी मृत्यु को सामने देखकर त्रिया चरित्र पे उतर आई है। पर इसकी झूठी बातों में ना आना ओगरनाथ, खत्म कर दो इस डायन को, मार दो इसे। पुत्र, यदि यही मेरा दंड है, मेरा अंत कर दे, तुमको शांति मिल सकती है, तुम्हारा क्रोध शांत हो सकता है, तो आगे बढ़ो और कर दो मेरा अंत। मुझे अपने पुत्र के हाथों मृत्यु दंड भी स्वीकार है। एक बार इस अभागर को अपनी ममता के रूप में स्वीकार कर लो। पुत्र, छल छल कर रही है ओगरनाथ ये तुम्हारे साथ, परंतु इस बार इसकी बातों में मत आना, काट दो इसका सर, मार दो इसे। पुत्र, अपनी इच्छा से तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार है, बस एक बार इस कुमाता को पुकारो। पुत्र, यही मेरी अंतिम इच्छा। देख क्या रहे हो ओगरनाथ, इसकी महत्वाकांक्षाएं ना तब समाप्त हुई थी और ना अब समाप्त हुई है। अब भी ये केवल अपने ही बारे में सोच रही है, अपनी इच्छाएं, अपनी मुक्ति। अब निर्णय तुम्हें करना है ओगरनाथ, कि ऐसी स्वार्थी स्त्री को जीवित रहना चाहिए या नहीं। तुम्हारे अपराध का एक ही दंड है, मृत्युदंड। शांत हो जाइए अवघरनाथ। मेरे साथ जो अधर्म हुआ है, जब तक मैं उसका प्रतिशोध नहीं ले लूंगा, मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। प्रभु, क्रोध प्रतिशोध से ही शांत नहीं होता अवघरनाथ, प्रेम से होता है, दंड देने से नहीं, क्षमा करने से शांत होता है क्रोध। पर प्रभु, मेरे क्षमा करने से इस स्त्री का धर्म तो समाप्त नहीं हो जाएगा ना। अवघरनाथ, अपने कर्मों का दंड देवी सुगंधा एक युग से भुगत रही है, पर आज आप जो अधर्म करने जा रहे हैं, एक माता का वध करने से जो पाप आपको लगेगा, उसका प्रायश्चित आप कैसे करेंगे अवघरनाथ?
अपने क्रोध का, अपने प्रतिशोध का त्याग करना होगा, क्योंकि अग्नि में ग्रीट डालने से अग्नि शांत नहीं होती, अभी तो और बढ़ जाती है। प्रभु, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। एक माता के रूप में स्वीकार कीजिए देवी सुगंधा को, क्योंकि इसी में आप और आपके क्रोध की मुक्ति है। इसलिए आपने एक बालक के रूप में जन्म लिया था। एक माँ की ममता पाकर ही आपके क्रोध की मुक्ति हो सकती है, इसलिए स्वीकार कीजिए इन अपनी माता के रूप में। सोच क्या रहे हो अवगरनाथ, अंत कर दो इस कुमाता का। भैरवनाथ, एक माता से भूल हो सकती है, पर एक माता कभी कुमाता नहीं होती। ये तुम क्या कह रहे हो अघरनाथ? स्त्री ने तुम्हारे बालक रूप की हत्या की है और तुम इसे ही माता कह रहे हो? क्योंकि ये मेरी माता है, इन्होंने मुझे अपने गर्भ में धारण किया, मुझे जन्म दिया। मैं इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। तुमने मुझे क्षमा कर दिया पुत्र, पुत्र तुम धन्यो। हृदय परिवर्तन, ये जरूर उस लट्टू गोपाल की लीला है। अघरनाथ, अगर मैं तुम्हें धारण कर सकता हूं तो तुम्हारा अंत भी कर सकता हूं। जय काल भैरव। अघरनाथ, ये शमशान भूमि है, इस शमशान से मनुष्य की अंतिम यात्रा आरंभ होती है, आज तुम्हारी भी होगी। मैं मनुष्य नहीं हूं भैरवनाथ, मैं महादेव का ओघड़ रूप, महाकाल का क्रोध स्वरूप हूं, और आज तुम जैसे धर्मी का काल बनूंगा। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।